और एक हदीस में ये भी इरशाद है कि कोई शख्स अगर दीन का इल्म हासिल करता है गैरुल्लाह, दीन का भी लफ्ज नहीं है वहां पर, मुझे जहां तक याद है वहां दीन का भी लफ्ज नहीं है, मन ताल्लमा इल्मन लिगैरिल्लाह, कोई भी इल्म अगर अल्लाह के सिवा किसी और का मकसद, अल्लाह की रजा के सिवा किसी और मकसद से हासिल की करने वाला हो कोई शख्स इल्म का, मन ताल्लमा इल्मन लिगैरिल्लाह फलयतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इल्म हासिल करना इसलिए पैसे ज्यादा हासिल हो। लेकिन उनके पेशे नजर पैसा कमाना नहीं था बल्कि उनका पेशे नजर खिदमत थी, चाहे वो इंसानियत की खिदमत हो गैर मुस्लिम हो, लेकिन वो इंसानियत की खिदमत करना चाहते थे। ये कार्ल मार्क्स जिसकी सारी दुनिया में सोशलिज्म की का नजरिया सारी दुनिया में फैला, तो वो कितना ही गलत नजरिया था, कितना ही खराब नजरिया था, कितना ही बातिल नजरिया था, लेकिन उसने जो इल्म हासिल किया, माशियात का इल्म जो हासिल किया, वो इस तरह हासिल किया कि ये फकर फाके की जिंदगी गुजारी है उसने, और कीचड़ पहनकर और बाकी मानदार रोटी के टुकड़े इस्तेमाल करके उसने इल्म हासिल किया और फिर किताब लिखी, और जो किताब लिखी है जो सारी दुनिया के फैली दास कैपिटल जो सारी कम्युनिज्म और सोशलिज्म की बुनियाद है उसके मुकदमे में उसने अपने
अच्छे मिल रहे हैं तो यहाँ करेगा, उसको अगर बरतानिया में। सर्व किया है ये तो किसी एक अनदेखे अनदेखी जन्नत के लिए कर रहे हैं। वो जन्नत मिलेगी, उनको मिल जाएगी। दुनिया में तो ये इनका 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 कोई मासी इस्तेकाम नहीं होगा। ये खाएंगे कहाँ से, ये पियेंगे कहाँ से? हमसे कहा जाता है, बड़े बड़े अरबाब इकतदार से हमारी बातें हुई है। वो कहते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, इतने तलबा के साथ दुश्मनी कर रहे हो कि इनको तुम ऐसे ऐसे उलूम नहीं पढ़ाते, ऐसे ऐसे उलूम नहीं सिखाते जिसकी वजह से इनकी तनख्वाहें बढ़े, ये जाके सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा लें और ये जाकर कोई कोई सीएसपी ऑफिसर बन जाए, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आला दर्जे का प्रोफेसर बन जाए वगैरह वगैरह, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। हम कहते भाई खुदा के लिए, खुदा के लिए हमें अपने हाल पर रहने दो। हम ये काम जो है इसलिए नहीं कर रहे कि इनको जाके डिग्रियां मिले और ये डिग्रियां लेकर और बड़ी मुलाजमतों के अंदर हिस्सेदार हों। तो समझ में नहीं आती उनके बात, ये कैसे हो सकता है कोई आले इल्म हासिल करे और उसके पेशे नजर पैसा ना हो, ये हो कैसे सकता है? उनकी समझ में बात नहीं आती।